rigging is the most important thing in lifting plan also. So please video के एंड तक जरूर देखिए, यू विल लर्न समथिंग इंशाल्लाह. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ द थर्ड थिंग इज रिगिंग प्लान. हमारा लोड है जो कि उसका वेट कितना हमने रखा है जी, उसका वेट कितना है जी, 9 टन उसका वेट है. तो हमने इसके लिए दो स्लिंग्स जो हैं वो यूज़ की हैं, तो जिनकी SL यानी स्लिंग लेंथ कितनी है, जो हम डेली में यूज़ करते हैं उसकी है जी 8 मीटर, 20 mm उसकी थिकनेस है, 20 mm उसका डाया ऑफ थिकनेस, और उसकी कितने कितने मीटर की है, 8 मीटर, यानी उसके पर चेन वन लिंक कितने का, 20 mm उसकी थिकनेस है, ठीक है जी, उसकी चेन लिंक की. सेकंड, हमें ये हाइट यानी इस हुक से लेकर इसके आप का जहाँ से वेट उठाते हैं हम, उसकी हाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको मालूम नहीं होगी तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसकी टेंशन कितनी है. सो फॉर ईच स्लिंग उसकी जो 90 डिग्री लोड कैपेसिटी है वो उस पर लिखी होगी, ठीक है, जो उसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होगी. फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि वो 8 टन उसकी कैपेसिटी है, इसका एंगल कम करते जाएंगे, जब जब हम उसका एंगल कम करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 90 to 45, तो हमने एंगल उसका ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस कर दिया, तो इसकी जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी. तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. फर्दर अगर इसको हम 30 डिग्री पे करते हैं तो ये मोर डिक्रीज हो जाएगी उसकी लोड कैपेसिटी. सो रिमेंबर एंड आल्सो रिमेंबर, क्रेन क्रेन में भी जब जब आपका जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा उसकी लोड कैपेसिटी भी वैसे ही बढ़ेगी. सो सेम एज द केस विद योर स्लिंग्स. सो तो रिगिंग प्लान में 9 टन इसका वेट है, ठीक हो गया, और हमें ये इसका एच फाइंड आउट करना है. इसकी हमें लेंथ पता है, लेकिन हम अपने जो वेट की ये लेंथ हमें पता चल सकती है यहाँ से यहाँ तक, यानी इस हुक से इस हुक तक कितना डिस्टेंस है, 0.38, ठीक है, 1.38. सो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, स्लिंग लेंथ कितनी है 8 मीटर, हमारे पास टोटल इसका कितना हो गया, टोटल लेंथ फ्रॉम वन हुक टू अनदर हुक कितनी है जी, टोटल लेंथ वन हुक टू एन अदर ये कितनी होगी जी, 1.38. बट यहां से हमें कितना करना है, एच. सो सेम हमारा जो एक फॉर्मूला है हम यूज करते, ट्राइंगुलर फार्मूला. सो इट्स मीन कि इसको अगर हाफ करूंगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो 1.38 का हाफ कितना होगा, दिस विल बी 0.69. सो डिवाइडेड बाय टू तो कितना बना, 1.38 डिवाइडेड बाय टू इक्वल 0.69. अभी हम बेसिक फार्मूला यूज करते हैं, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर. बेस हमारे पास कितनी है, वो हाफ आ गई है, ये वाली हमारी बेस बन गई, 0.69 स्क्वायर प्लस दिस एच. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एच, इस एच को हमने फाइंड करना है, तो वो कैसे जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 0.69 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लें, इज इक्वल्स टू ये कितना बना, 64 माइनस 0.66 ये बना 0.4761, इसका लिया स्केयर रूट,
तो ये कितना बना, ऑलमोस्ट बन गया 7.97 मीटर। सो दिस इज आवर एच। तो ये हमारा जो एच है, ये हमें ये जो है मालूम पड़ गया। देन वी नीड टू कैलकुलेट। देखिए मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो जो एंगल चेंज होगा उसकी जो स्लिंग टेंशन है वो बढ़ती जाएगी और उसकी लोड कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। सो टेंशन फार्मूला, स्लिंग टेंशन, टी इज इक्वल टू लोड जो हमारा है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्लिंग हुक, कितनी है जी, डिवाइडेड बाय लेंथ ओवर हाउ मच दिस वन, हमारे पास डिवाइडेड बाय एच, ये उसका होता है जी लोड फैक्टर, इसको बोलते हैं जी लोड फैक्टर, ये जो फार्मूला एल ओवर एच। ठीक है जी, लोड हमारा कितना था 9, नंबर ऑफ स्लिंग हुक कितनी है 1, 2, नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय एल कितना है जी 8, और इसकी हाइट कितनी है 7.97, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 7.97, डेट इज इक्विवेलेंट टू टी इज इक्वल टू 4.51669 टन निकल आएगी हमारे पास। सो ये उसकी टेंशन का फॉर्मूला है, लोड हमारे पास जो है 9 टन, नंबर ऑफ स्लिंग्स, स्लिंग नंबर, स्लिंग हुक नंबर, ओके कितनी है हमारे पास 1, 2, जितनी होगी डिवाइडेड बाय उतने, देन लोड एल इज द लेंथ ऑफ स्लिंग दिस वन दिस 8 एंड दिस वन एच, ये क्या जी, ये हमारी हाइट जो हमने निकाली है। ओके सो इस तरीके से हम निकालेंगे जी इसकी टेंशन। ठीक है, हमारे पास आएगा उसको हम कहते हैं जी स्लिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर। इन सेम रिगिंग प्लान नाउ स्लिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर, स्लिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसको हम UF भी कहते हैं। ओके सो उसका फार्मूला क्या है, टी टेंशन जो हमने पहले निकाली है उसकी, स्लिंग स्लिंग टेंशन डिवाइडेड बाय जो SWL फॉर स्लिंग, यानी सेफ वर्किंग लोड उसका कितना है जी जो स्लिंग का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन आवर केस तो वो कितना था 4.5169 डिवाइडेड बाय स्लिंग SWL वेट कितना है एट 90 डिग्री, रिमेंबर एट 90 डिग्री। सो कितना होगा वो, उसका था हम कहते हैं 8 टन वो उठा सकती है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसकी एवेल्यूएशन कितनी आ गई 56.416%। सो ये इसका हो गया जी UF फैक्टर, यानी इसके यूटिलाइजेशन फैक्टर। So I hope you guys learned something. So please like, share and subscribe. Thank you.